सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं काल रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय मार्केट की यही है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। यह बाज़ार का फ्लेवर भी आपको दिखा रहा होगा। यही बात हम कल से आपके सामने रख रहे हैं कि जो भी बढ़त निफ्टी पर आपको दिख रही है इसको एग्जिट का ही रूट समझें, क्योंकि डाटा पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। और इस तरह के मेगा इवेंट पे जैसे कि यूएस इलेक्शंस प्रोसेस ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, तो बाजार में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स दोनों को यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, जो डाटा है, वो ये अलाउ नहीं कर रहा कि यहाँ पे बड़ी पोजीशंस को लेके जाना चाहिए। हो सकता है आप बड़ी पोजीशन रखें, आपके फेवर का रिजल्ट्स आ जाए, आप एक बड़े अपॉर्चुनिटी से मिस कर जाएं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कम से कम ये अलाउ नहीं करता कि बड़ी पोजीशन मार्केट में रखें। अगर रख भी रहे हैं तो उसको हेज जरूर कर लें, ये आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इंडिया विक्स अभी 2% ऊपर है, इसका मतलब यह है कि वॉलिटिटी आप आगे भी और बढ़ती हुई देख सकते हैं। ये कल के सेशन और आज के सेशन में बाजार बढ़त दिखा रहा है या फिर ऊपर इस तरह से टूट भी रहा है, लेकिन विक्स 2% से ज़्यादा हिल दुल नहीं रहा। इसका मतलब कि बड़े वॉलिटिटी की यहाँ पे तैयारी हो रही है। अब एक बार डेरिवेटिव्स का डाटा और देख लें। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है और साथ ही निफ्टी का फ्यूचर्स भी आपके सामने रखेंगे। निफ्टी के फ्यूचर्स में आपको दिखेगा कि फ्रेश बाइंग, अभी हालांकि बाजार थोड़ा सा टूटा है, करीब ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन ये हल्की जो बाइंग दिखने को मिल रही है ये बहुत कमज़ोर बाइंग है। ये बहुत पॉकेट टू पॉकेट, रिजल्ट टू रिजल्ट, इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आज ऑटो पैक तो चल रहा है, लेकिन अगर आप ऑटोस का पूरा इंडाइसिस देखेंगे तो 16 शेयरों में से 8 शेयर बढ़त में है और 8 शेयरों में ही गिरावट है। इसलिए पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ऑटो में खरीदारी या फिर तेज़ी है। हाँ, क्योंकि टाटा मोटर्स की और DVR की वेटेज है, ये दोनों ही शेयर निफ्टी के भी कंपोनेंट हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि निफ्टी किसी तरह से मैनेज कर रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR दोनों 5% ऊपर है और DVR निफ्टी का 91वां शेयर है, 51st शेयर है, जो कि बाजार के अंदर अभी अभी ऐड हुआ है। तो इन दोनों की वजह से मार्केट काफ़ी हद तक, अगर इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दिया जाए तो नो डाउट बाजार इस समय पूरी तरह से लाल निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत हल्की खरीदारी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत संभल कर ट्रेड लें, क्योंकि ICICI बैंक के कमज़ोर रिजल्ट्स ने वापस बैंकिंग में जो थोड़ा बहुत रिकवरी आ रही थी उसके मूड को बिगाड़ दिया है। सुमित बगड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के मेहमान हैं। उनसे एक बार पहले निफ्टी का व्यू लेते हैं, बाद में अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सुमित शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। इस समय निफ्टी पे आपका एक तो आउटलुक क्या है, दोनों हिसाब से जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? हाय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। वेल, देखिए सबसे पहले निफ्टी में सुबह से तेजी में खुलने के बाद एक दबाव देखने को मिला है और इमीडिएटली निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 8480 लेवल्स पर। तो सबसे पहले तो बाय की पोजीशंस पे 8480 का स्टॉप लॉस लगा लें। अब सेलिंग अगर करनी है निफ्टी के अंदर तो 8480 का लेवल ब्रेक होने के बाद, जो कि कल का लो भी ब्रेक हो जाएगा उसके बाद, तो हमको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ के अंदर। उस केस के अंदर 8480 के नीचे हमें सेलिंग इनिशिएट करनी होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा 8550 का, और नीचे में टारगेट बन सकते हैं 8400। और अगर 8400 टूटा तो कल और परसों के सेशन में और भी मंदी देखने को मिल सकती है। जब तक 8400 नीचे में 8550 ऊपर में नहीं टूटता तब तक इसी दायरे में निफ्टी खेलेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। फ्रेश सेलिंग 8480 के नीचे इनिशिएट करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आज 3:30 बजे तक तो आप ये समझ सकते हैं। और जी बिजनेस सबसे पहले आपको यही रेंज बता रहा था कि 8400 से लेके 8450, थोड़ा ज़्यादा करेक्टिव हो जाए, 8450 से लेके 8550 की ऐसी रेंज है जो कम से कम अगले 2 से 3 दिन शायद नहीं टूटेगी। और ठीक वैसा ही इस समय हुआ है, आज भी 8450 नहीं टूटा, 8450 भी अभी तक तो नहीं टूटा है। 3:30 बजे तक शायद बाजार इसी रेंज में रह सकता है। सुमित, नो डाउट आपने कुछ एक स्टॉक्स भी निकाले होंगे, वो कौन से शेयर हैं जिसपे आप बाय या फिर सेल करना चाहेंगे इस इवेंट से पहले? यस, बिल्कुल, कुछ स्टॉक्स हमने निकाले हैं, 2-3 स्टॉक्स निकाले हैं। एक स्टॉक तेजी का निकाला है IT के अंदर, टेक महिंद्रा। आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से टेक महिंद्रा के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिल रही है, और कल भी हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा और आज भी हमको टेक महिंद्रा के अंदर तेजी ही देखने को मिली है। टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होते जा रहा है और ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से टेक महिंद्रा के अंदर एक रैली देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जिसके अंदर ऊपर में हमको 470 से 480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा को प्रेजेंट लेवल या प्रेजेंट लेवल से 5-7 रुपए की गिरावट आती है तो खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 430 रुपए, टारगेट 470 से 480 के लेवल्स। ठीक है, 470 से 480 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे, 430 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। इस बीच मानस जैसल भी हमारे साथ जुड़े हैं और एक प्रभाकर भी हमारे साथ अब लाइन पे ही है। पहले मानस आपके पास, और आपका निफ्टी पे आउटलुक क्या है? देखिए, बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम रिलीज आपसे बन रहे हैं और हर उछाल पे ऐसा लगता है कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है।
तो मैं तो अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ बेरिश व्यू, और मैं अभी समझता हूँ कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है निफ्टी। तो फिलहाल के लिए टारगेट 8380 के रखेंगे और एक शॉर्ट कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस 8560 के होंगे। ठीक है मानस, कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आपके पास? स्टॉक स्पेसिफिक मारुति को शॉर्ट करेंगे, ऐसा लगता है कि मारुति अब करेक्शन को तैयार है, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वहां पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था, आज एक अहम सपोर्ट 8650 का स्टॉक ने वो ब्रेक किया है, तो अब तो ऐसा लगता है कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है, तो 5500 के टारगेट सेट करें, 5672 के स्टॉप लॉस रखें। इवेंट को ध्यान में रखते हुए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास पर्टिकुलर शेयर को लेकर? देखिए इवेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इवेंट पे मार्केट रिएक्ट कैसा करेगा ये भी समझना बड़ा मुश्किल है, तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि टेक्निकली बिलीव करके ही अपने ट्रेड लेने चाहिए और स्टिक स्टॉप लॉसेस आइदर साइड पे जरूर लगाएं। शुक्रिया मानस आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 5500 तक का टारगेट है मारुति पे, शॉर्ट एक बार कर सकते हैं। प्रभाकर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर प्रभाकर शुक्रिया ज़ी बिज़नेस को समय देने के लिए। व्हाट्स योर आउटलुक ऑन द निफ्टी? गुड आफ्टरनून, I have a negative view on market because Nifty is unable to close the gap. So I think Nifty is a sell with a stop loss of 8560, target on the downside is 8380. ठीक है, तो कोई stock आप as a recommendation देना चाहेंगे either on the buy or the sell side? Yeah, it is a contrarian view. I have a buy on ACC. Stop loss is 1480 and target is 1550. And the stock has been correcting, so I have a contra bet on this stock. Okay. Any other stocks जो आपको लगता हो कि US election के point of view से आपको ज़्यादा important लगता है, उसको plus या फिर sell करना चाहिए according to the US elections theory? Yeah, see, you know, US election will have whoever wins is going to impact pharma stock. So we are saying people to reduce the exposure to pharma stock. Okay. I think most of the pharma stock might correct today and tomorrow. ठीक है, आपका सन फार्मा पे व्यू क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मल्टीपल इयर्स के लो पे भी है? सन फार्मा इज लुकिंग वेरी वीक नाउ, आई थिंक अनदर 8-10% करेक्शन इज पॉसिबल विद इन दिस सेटलमेंट नाउ, इट हैज ब्रीच्ड लॉट ऑफ सपोर्ट्स, आई थिंक टारगेट ऑफ 550 इज पॉसिबल इन द स्टॉक नाउ, सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, एनी रैली इज अ एग्जिट अपॉर्चुनिटी इन सन फार्मा. And almost in this month itself, you know, it has corrected more than 15%. Sure. So it is going to be a weak stock. ठीक है, 15% टूट चुका है। मिस्टर प्रभाकर शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 15% टूट चुका है हफ्ते भर में, लेकिन अभी भी 10% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि फार्मा पे तो कम से कम यूएस इलेक्शंस का अभी तक का जो व्यू हमको भी मिल रहा है वो कम से कम पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। सन फार्मा भले ही इसमें मोहाली प्लांट की वापस री इंस्पेक्शन की बात हो, लेकिन फिर भी कमजोर है। ना केवल सन बल्कि आप देखेंगे ज्यादातर फार्मा काउंटर्स ऊपरी स्तरों से टूट रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और सन फार्मा पे हम आपके सामने एक आज ब्रॉडर पिक्चर भी रखेंगे कि क्या ये शेयर अब बेहतर हो चुका है या फिर नहीं, अगले कार्यक्रम में आप इसके बारे में जान पाएंगे। इस बीच सुमित बगड़िया हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ओवरऑल फार्मा काउंटर्स में आपका व्यू भी बेरिश ही है, अगर है तो किस शेयर को शॉर्ट करेंगे, अगर व्यू बुलिश है तो किसको प्लस करेंगे? देखिए टिम्पी, फार्मा स्टॉक्स के अंदर नो डाउट एक दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, और स्पेसिफिकली हम देखने जाएंगे तो सन फार्मा में हमें एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, और सन फार्मा ही नहीं इनफैक्ट सभी स्टॉक्स में एक पिछले कुछ 4-5 दिनों से हमने एक अच्छा दबाव देखा है, चाहे फिर वो सिप्ला हो या फिर ओरो फार्मा हो, ग्लेनमार्क फार्मा हो, आज भी हमको एक दबाव ही देखने को मिल रहा है। आई थिंक फिलहाल अगर वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू लेंगे तो थोड़ा सा दबाव हमको देखने को मिल सकता है। सन फार्मा की स्पेसिफिक बात करें तो प्रेजेंट लेवल से शायद ये 600 रुपए के लेवल्स तक आ सकता है, बट ओवरऑल सन फार्मा के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी गिरावट आती है तो उस गिरावट में आप खरीदारी करें, क्योंकि आने वाले 6-8 महीने के अंदर ये जो लेवल्स मिल रहे हैं हमें फार्मा स्टॉक के अंदर, ये बहुत ही क्रीम और लुक्रेटिव लेवल्स हैं, और इतने ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं काउंटर की कहीं भी एक शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन के एक रिकवरी और रैली हमको देखने को मिलेगी। तो प्योरली वेरी शॉर्ट टर्म का होराइजन लेना है तो सन फार्मा में प्रेजेंट लेवल से 30-40 रुपए का फॉल और देखने को मिल सकता है, और उन लेवल्स पे खरीदारी करें, वहां से हमको 20% की तेजी जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो सन फार्मा जो कि आज टॉप लूजर्स है उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन टॉप गेनर्स टाटा मोटर्स उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज की लिस्टिंग के बारे में बता देते हैं। वरुण बेवरेजेस की आज कमजोर लिस्टिंग देखने को मिली है, इशू प्राइस के मुकाबले कंपनी में लिस्टिंग करीब 3.5% डिस्काउंट पर यानी कि गिरकर हुई है। लिस्टिंग के बाद जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने कहा कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी के कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। सर बहुत शुक्रिया।
हमसे बात करने के लिए आज आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द लिस्टिंग. और क्या आप इस लिस्टिंग से आपके फर्स्ट जो इनिशियल रिएक्शन से जानना चाहेंगे, लिस्टिंग से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे आप खासतौर से इन्वेस्टर्स से, क्या उस तरह का रिस्पांस मिला है आपको? नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं और इन्वेस्टर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी NSE में लिस्टिंग हुई है एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. ओके okay. और अगर आप सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करके हमें बता सकें किस तरह का आपका जो रिस्पांस था HNI, रिटेल और एम्प्लॉई सेगमेंट से देखने को मिला आपको इस लिस्टिंग? देखिए, हमारा मेन जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरनेशनल फंड से आया है एंड दे हैव उन लोगों ने हमारा पूरा मॉडल समझा है. आई थिंक इंडिया में रिटेल और HNIs ने पूरा मॉडल हमारा समझे नहीं है वो, और इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्स हमें कम मिला था. बट ओवरऑल इंटरनेशनल फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स ने हमारे को 5 times इन्वेस्ट किया है और मेरा आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि हमारा इंडियन इन्वेस्टर्स भी सारे समझेंगे जो, और रिजल्ट्स देखेंगे कंपनियों के, फिर उसके बाद दे विल कम बैक टू द मार्केट. तो ये वरुण बेवरेजेस की मैनेजमेंट थी जो बता रही थी कि रकम का इस्तेमाल है कर्ज जुटाने के लिए होगा. हालांकि आज कमजोर लिस्टिंग हुई है, वैल्यूएशंस को लेकर तो शुरू से ही थोड़ा सा डाउट था, बिजनेस प्रोफाइल को लेकर भी ज्यादातर एक्सपर्ट ज्यादा बुलिश नहीं थे, तो आज मार्केट ने भी वैसे ही रिएक्शन दिया है.